फिटकरी यानी कि एलम स्किन क्लींजिंग में कई प्रकार से इस्तेमाल की जाती है। इसका खास गुण है स्किन से तेल को सोख लेना और फिर पोर्स को साफ करना। इसके अलावा ये आपके चेहरे में पिगमेंटेशन को कम करने में भी मददगार है। पर जब आप इसको गुलाब जल यानी कि रोज वाटर के साथ मिलाकर लगाएंगे तो ये आपके स्किन के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। क्यों और कैसे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वेल हेलो एवरीवन, मैं हूं साजिदा और आप देख रहे हैं हर्बल 24। फिटकरी और गुलाब जल चेहरे पर कैसे लगाएं? फिटकरी और गुलाब जल का इस्तेमाल करने के लिए पहले फिटकरी को पाउडर जैसा बनाकर रख लें और इसमें गुलाब जल मिला लें। इसके बाद इन्हें मिक्स करके अच्छे से अपने चेहरे पर लगा लें। इस पेस्ट को पतला ही रखें ताकि आपकी स्किन पर चिपके नहीं। इसे लगाने के लगभग 5 मिनट में अपना चेहरा आप स्क्रब करते हुए ठंडे पानी से धो सकते हैं। फिटकरी और गुलाब जल के अब फायदों के बारे में भी बात कर लेते हैं। नंबर 1, एक्ने में मददगार होती है। फिटकरी एक्ने की समस्या को कम करने में मददगार है। दरअसल ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होती है जो स्किन को साफ करने के साथ साथ एक्ने और बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में मददगार है। इससे एक्ने की समस्या में कमी आती है और चेहरा साफ नजर आता है। नंबर 2, सूजन में कमी लाती है। अगर आपकी स्किन में भी सूजन रहती है या फिर रेडनेस रहती है तो फिटकरी और गुलाब जल का पेस्ट जरूर ट्राई करें। इन दोनों को ही आप अपने चेहरे पर लगाएंगे तो इससे आपकी सूजन रुक जाएगी और इसका एंटी इंफ्लेमेटरी गुण स्किन के अंदर रेडनेस की कमी को भी दूर कर देगा। और अगर आप कोई दिक्कत हो तो इन दोनों को जरूर चेहरे पर अप्लाई करके देखें। नंबर 3, बेदाग निखरी त्वचा के लिए। बेदाग निखरी त्वचा पाने के लिए दोनों ही चीजें बहुत काम आ सकती है। ये आपकी स्किन पोर्स को साफ करके इसमें ब्लड सर्कुलेशन को सही करती है जिससे स्किन का निखार बढ़ता है और आपकी स्किन में चमक आती है। तो इन चीजों को जरूर इस्तेमाल करें और इन्हें अपने चेहरे पर जरूर एक बार लगा के देखें। और ऐसे ही टिप्स और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हर्बल 24।